नमस्कार उर्वश, मैं विनीत कार्लो आपका स्वागत करता हूं समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ी होर्डिंग देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी जम्मू मुख्य कार्यालय की ये होर्डिंग है, जहां पर आज हरजोत सिंह बैंस पंजाब के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं जम्मू में, और इनका भव्य स्वागत किया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और आइए देखते हैं किस तरीके से इनका स्वागत हुआ और क्या इनका वजह था यहाँ पर दौरा करने का, और इनको जम्मू कश्मीर का इंचार्ज भी बनाया गया है इलेक्शंस का। आइए देखते हैं हरजोत सिंह बैंस जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो जम्मू पहुंचकर कैसे उनका भव्य स्वागत किया। टोनी जी, क्या कहना चाहेंगे, आज हरजोत सिंह बैंस यहाँ पे कैबिनेट मंत्री पंजाब से यहाँ पर जम्मू में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले मैं हरजोत बैंस जी का, जो हमारे इंचार्ज हैं इलेक्शंस के, आने वाले इलेक्शंस जो आएंगे असेंबली इलेक्शंस के, और मंदिरों के शहर में उनका भरपूर स्वागत है। और आज सुबह से ही आपने देखा है कि एक हर स्टेशन पर, लखनपुर से लेके राधर माधोपुर से लेके लखनपुर से लेके और जम्मू तक भव्य स्वागत हुआ है उनका। हर जगह, हर चौराहे पे, हर जगह, हर स्टेशन पे जितने भी जम्मू तक आते हैं, तो सब जगह उनका भव्य स्वागत है। अभी पार्टी में भी उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ, पार्टी ऑफिस में भी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो जो उनकी विजिट करने की मेन जो कारण है वो है संगठन को मजबूत करना बूथ लेवल पर। क्या लगता है आपको, उनका आने से आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कुछ आने वाले चुनावों में बैंस साहब जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं आज, उनके उनका जो दौरा है उससे कितना फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? ये उनके आने का एक साफ संकेत उन लोगों के लिए है जो अब तक कहते थे कि जी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा के इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो उनका आने का एक वजह ये भी है, उन लोगों को भी एक स्पष्ट जवाब मिल गया है कि पूरे दमखम के साथ और पूरा जोर लगा के आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। और जो हरजोत बैंस जी हैं, ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ श्री केजरीवाल, उनको संगठन को पूरी तरह मजबूत करने के लिए वो यहाँ आए हैं, और अभी हमारे साथ उनकी बातचीत होगी। कल भी यहाँ पे दो रैलियाँ हैं, एक डिगाना आश्रम से एक यूथ रैली है, और दूसरा रामगढ़ में एक बहुत भव्य रैली है।
यहाँ परविंदर हैप्पी कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे यशपाल कुंडल जी कर रहे हैं और पूरी पार्टी जो है झूम चुकी है, मैदान में उतर चुकी है, हर कोने में, हर खित्ते में जो है ये हमारा जो आम आदमी पार्टी है ये मजबूती से और दमखम से उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। मैं डी एस रनोत्रा, आम आदमी पार्टी से। आज जैसे कि आपने देखा हमारे कैबिनेट मंत्री पंजाब से हरजोत सिंह बेंस जम्मू पधारे हैं, उनको जिम्मेवारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की यहाँ पे दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष से जितना भी है यहाँ पे प्रभार अपना सारा संभालेंगे और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और जम्मू में इस तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है आने वाले दिनों में, मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको टक्कर देने के लिए अभी आम आदमी पार्टी जम्मू शहर में उतर चुकी है। इनके आने से कितना फायदा होगा संगठन को जो जम्मू कश्मीर में इनकी विजिट है? देखिए ये पार्लियामेंट्री फेस्ट के लिए आए हैं, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री फेस्ट के लिए आया है और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी इनकी यहाँ पे दी गई है जम्मू प्रवेश के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जम्मू के लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरे। बहुत बहुत जी सर। मैं राजेश गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू पुंछ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। आज यहाँ पर जो हमारे रिसेंटली नियुक्त हुए हैं इलेक्शन इंचार्ज पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर हरजोत सिंह बैंस, उनका आज बहुत ही शानदार भव्य स्वागत हुआ। और खाली यहाँ जम्मू में नहीं, जैसे ही उन्होंने लखनपुर में कदम रखा, लखनपुर से लेकर जम्मू शहर तक उनका जगह जगह पर बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ और हमें उनसे बहुत उम्मीद है। एक नौजवान नेता है और वो एक पेशे से वकील भी हैं और हमें उन पर पूरी उम्मीद है कि वो इस पद के लिए वो खरे उतरेंगे और आने वाले चुनावों में कि हमारी सरकार अवश्य बनाएंगे, इतना हमें उन पर भरोसा है कि वो काफ़ी काबिल लीडर है और एक यंग लीडर है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर मेरा नाम फैंसी है, मैं आम आदमी पार्टी की प्रेजिडेंट हूँ। सर आज यहाँ पर हरजोत सिंह जी आए हैं पंजाब से, तो हम उनका वेलकम करने गए थे। सर हरजोत सिंह जी यहाँ पर आए हैं जम्मू में दौरे पे, तो हम उनका वेलकम करने गए थे। उनका हर एक जगह वेलकम हुआ आम आदमी पार्टी से। आज हम बहुत खुश हैं और उनका धन्यवाद करते हैं वो यहाँ पर आए हमारे पास। हम उनके लिए यहाँ पर सारे इसलिए आम आदमी पार्टी के वर्कर जमा हो गए हैं। आज आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी आएगी शहर में। आपने देखा कि जैसे हरजोत सिंह बैंस की जो प्रॉपर कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर जम्मू में जो विजिट हुई है और आपने देखा हर एक जगह यानी कि लखनपुर से लेकर जम्मू शहर तक भव्य स्वागत, अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत किया गया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से और कुछ विचार भी उन्होंने रखे और साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हमने बात की और साफ तौर पर उनका यही कहना था इनका आने का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करना और जम्मू कश्मीर में इनको आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ावा देना, ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था। ये सीधी रिपोर्ट जो हम दे रहे हैं जम्मू से दे रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के लिए। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत चारू की विशेष रिपोर्ट।